ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ 2085 संबंधित HSM हिंद मजदूर सभा की गोहाना के शुभम होटल में आज एक मीटिंग हुई, जिसमें द्वितीय त्रिवार्षिक वर्षगांठ व आम चुनाव का कार्यक्रम रहा, जिसमें सर्वसम्मति से प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नव गठित कार्यकारिणी के अनुसार अशोक खोखर सोनीपत को राज्य प्रधान, राज्य महासचिव प्रताप भनवाला, कैशियर शमशेर मलिक पानीपत, सह कैशियर अमित मलिक सोनीपत, राज्य उप प्रधान राजेश चौहान, संदीप महराणा झज्जर, अजय यादव रेवाड़ी, नरेश पत्रकार कुरुक्षेत्र, राज्य उप महासचिव अनिल खजूरी यमुनानगर, प्रदेश सचिव श्री कृष्ण शर्मा करनाल, प्रदेश उप सचिव श्री क्रमबीर भाकर सहित करीब 29 लोगों का पैनल चुन लिया गया। इस दौरान सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। पूरे हरियाणा से पर्यवेक्षक और निर्वाचन अधिकारी व मुख्य वक्ता के रूप में आए पदाधिकारियों ने शांतिपूर्वक हुए चुनाव के लिए कर्मचारियों की तारीफ की व भविष्य में नए पैनल द्वारा कर्मचारियों के हितों में काम करने की उम्मीद जताई। इस दौरान सर्वसम्मति से चयनित राज्य प्रधान अशोक खोखर ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि चंडीगढ़ से नारनौल तक, नूह से सिरसा तक आए सभी साथियों का वे आभार व्यक्त करते हैं और आए हुए स्टेट बॉडी के पदाधिकारी, डिपो प्रधान, सचिव, उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। अशोक खोखर ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी को सच्चे दिल से निभाने की और जो मांग है उन्हें मनवाने की। हमारी जो परिचालक ग्रेड की मांग सहित 11 सूत्रीय मांग है उन्हें मनवाने के लिए काम करूंगा। सबसे पहले से मैं चंडीगढ़ से नारनौल तक, नूह से लेकर सिरसा तक सारे साथी जो आए हमारे स्टेट की बॉडी के, स्टेट के जो डिपो प्रधान डिपो सचिव आए हैं, उन सबका तय दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल मेरे को यहाँ चुनने के लिए पहुँचे हैं वो और मेरे को इस योग्य समझा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को सच्चे ढंग से निभाने के लिए और हमारी जो मांग है उनको बनवाने के लिए, हमारी परिचालक ग्रेड की जो मांग है उसको हमने JBT ग्रेड में बनवाने के लिए, गाड़ी संख्या बढ़वाने के लिए, हाउसिंग कॉलोनी बनवाने के लिए, 2016 के जो चालक हैं उनको पक्का करवाने के लिए हमारी 11 सूत्री मांग पत्र है और हमारी 10 यूनियन साझा मोर्चा है। हम सारे ज्वाइंट मिल करके इस पर पूरी जोर कोशिश करेंगे। 11 तुला की हमारी मीटिंग है SG साहब के साथ में, उसमें हमें मैक्सिमम जो मांगों को निकालने की कोशिश करेंगे और पूरा जो है अगर हमारी मांगे नहीं आएंगी तो हम सब मीटिंग करके साझा मोर्चा जल्दी संघर्ष की घोषणा करेंगे। हमारी सबसे पहली मांग यही है कि इस विभाग में बसों की संख्या बढ़ाई जाए और सरकार आश्वासन दे रखी है 800-900 गाड़ियाँ हम जल्दी लेकर आने वाले हैं, 250 गाड़ियाँ जो वोल्वो गाड़ियाँ की बात चल रही है, 600 गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात चल रही है। हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक गाड़ियाँ हमारी बढ़ेंगी और स्थायी भर्ती करने की सरकार जो इसमें गंभीरता सोचे कि सामने सोचते जी सरकार कच्ची भर्ती करना चाहती है, लेकिन सारा साझा मोर्चा ये चाहता है कि जो है भर्तियाँ पक्की हों, स्थायी हों और जो है उनको लगाया जाए कर्मचारियों को, क्योंकि कर्मचारी हर साल रिटायर हो रहे हैं। इस साल जो है हजारे करीब कर्मचारी हमारे रोडवेज कटे हैं, रिटायर हुए हैं। हमारी पुरजोर मांग है बसें संख्या बढ़ाई जाए और कर्मचारियों को जो है पक्की भर्ती की जाए। इस दौरान बाहर से आए पर्यवेक्षक और पदाधिकारियों का फूलों की मालाओं सहित मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम है और यहाँ साथियों ने मेरे को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। बहुत ही अनुशासित तरीके से, निष्पक्ष तरीके से सभी हॉल में जितने भी साथी थे सभी को संतुष्ट के, सभी की संतुष्टि के बाद ये चुनाव हुआ। एक ही साथी हमारा इस कार्यकाल से नाराज नहीं है, सभी ने सरसंति से इस कार्यकाल को स्वीकार किया और हम भी इस बात से संतुष्ट हैं और हमने अपने मोहर लगा दिए। अब ये कार्यकारिणी जो उम्मीद करेगी या सबको अगले 3 साल के लिए ये कार्यकारिणी रहेगी। राजा जी ऑल हरियाणा का एफिलिएशन हिंद मजदूर सभा के साथ हुआ है। हम सब लोग मिलकर इस सरकार के खिलाफ और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आकर के लड़ाई लड़ेंगे और मैं जल्द से जल्द होने के नाते ये भी घोषणा करता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट की जो यूनियन हमारे से अपडेट हुए हैं आज, इनके 2 सदस्य प्रधान और महामंत्री हमारी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी होंगे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।